स्वागत है आप सभी का। साथियों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से बड़ी खबर आज निकल कर आ चुका है। साथियों, आप लोगों को रेलवे की तरफ से लगातार इन दिनों बड़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आती हुई दिख रही है। साथियों, आज बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुका है। एबीपी न्यूज के ऑफिशियल साइट पर इस वक्त हमें बिल्कुल आज का आया हुआ लेटेस्ट अपडेट है 22 सितंबर 2020। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लेटेस्ट अपडेट है। साथियों, हम आप सभी को बता देना चाहते हैं, इसमें बताया गया है आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई के 11,000 पदों पर भर्ती निकालने को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल का आया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी बयान आई हुई है, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। साथियों, नीचे जो भी इंफॉर्मेशन है अभी हम आप सभी को बताने वाले हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल पाए। साथियों, यहां बताया गया है 11,000 कांस्टेबल तथा एसआई पदों पर जल्द शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ फ्रेंड्स, कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, हर एक न्यूज हर एक अपडेट इस वीडियो में बताया गया है। जो भी न्यूज आया है साथियों, वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो सीबीटी एग्जाम स्टडी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलिएगा। जी हाँ फ्रेंड, जब आप लोग देखोगे यहाँ तो एबीपी न्यूज के ऑफिशियल साइट पर यह सब कुछ बताया गया। आप लोग स्क्रॉल करते हुए जब आओगे साथियों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताया गया युवाओं को मिला रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जाने का सुनहरा मौका। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए और क्या बताया गया है। भारत के वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल तथा एसआई की खाली पड़ी पदों पर बहुत जल्द ही आवेदन शुरू किया जाएगा। नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में यहां पर डिटेल आप लोग क्लिक करके देख पाओगे। साथियों, और भी इंफॉर्मेशन जो भी आया है जरा यहां देखिएगा, बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन यहां बताई गई है। साथियों, यहां देखिएगा, बताया गया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर के माध्यम से बताया कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जल्द ही युवाओं को देगा आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई पदों पर जाने का सुनहरा मौका। साथियों, हम आप सभी को बता दें, ट्विटर के माध्यम से यह इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि इसमें लगभग 11,000 पद खाली हैं, किस जोन में कितना पद खाली है इसका विवरण लिया जा चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नवंबर महीने तक संभवतः निकाल दिया जाएगा। इसके आवेदन का इंतजार कर रहे इच्छुक उम्मीदवार समय समय पर ऑफिशियल साइट चेक करते रहें। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथियों, ट्विटर पर जो कि रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके यह इंफॉर्मेशन दिया है, आप लोगों यह नोटिफिकेशन पा लोगे, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुका है। तो साथियों, हम आप सभी को यहाँ नीचे बता देना चाहते हैं कि क्या खबर आया हुआ है। नीचे देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2020 एज लिमिट के बारे में बताया गया है, 18 से 25 ईयर्स जो कि कांस्टेबल पदों के लिए एज होनी चाहिए। यही हम आप सभी को बता देना चाहते हैं एसआई वालों को। तो साथियों, 20 से 25 ईयर्स एसआई का जो कि जनरल की एज होती है और उसमें रिलैक्सेशन अदर कैटेगरी वालों के लिए होती है। साथियों, हम आप सभी को बता दें, केवल 10th पास एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। कितना? 10th पास एलिजिबिलिटी मांगी जाती है जो कि कांस्टेबल पदों के लिए। और साथियों, अगर एसआई की बात किया जाए तो ग्रेजुएशन तक मांगा जाता है। तो साथियों, हम आप सभी को हर एक इन्फॉर्मेशन बता दिया, जो भी इन्फॉर्मेशन आया था। वीडियो कैसा लगा नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे, चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच।